तो दोस्तों, अगर आप Redmi Poco या Xiaomi का डिवाइस यूज कर रहे हैं और उस डिवाइस में ड्यूअल एप्लीकेशन को यूज करना चाहते हैं, आपके डिवाइस में अगर वो शो नहीं हो रहा है तो कैसे इनेबल कर सकते हैं, वो मैं आपको इस वीडियो में क्लियर करने वाला हूं। सबसे पहले अगर आपके डिवाइस में ड्यूअल एप्स वाला ऑप्शन देखने मिल रहा है तो कहां से इनेबल कर सकते हैं वो मैं आपको बता देता हूं, और ऑप्शन शो नहीं हो रहा है तो कैसे इनेबल कीजिएगा वो भी मैं आपको बताऊंगा। इसके लिए आपको सेटिंग में चले जाना है, और जैसे आप यहाँ पे सेटिंग में जाते हैं, सेटिंग में जाने के बाद नीचे स्क्रॉल करना है। नीचे स्क्रॉल करने के बाद आपको एक ऑप्शन देखने मिलेगा एप्स का, इस एप्स वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। जैसे एप्स वाले ऑप्शन पे क्लिक कीजिएगा तो आपको यहाँ पे ड्यूअल एप्स वाला ऑप्शन देखने को मिलेगा, यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं। क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे क्रिएट पे क्लिक कीजिएगा, और जो भी एप्लीकेशन यूज कर रहे हैं उसको दो एप्लीकेशन में यूज कर सकते हैं। अगर ये ऑप्शन आपको अपने मोबाइल के सेटिंग में देखने को नहीं मिलता है, देन आपको क्या करना है, ऊपर में आपको सर्च वाला ऑप्शन मिलेगा, सर्च में चले जाना है। सर्च में जाने के बाद आप यहाँ पे ड्यूअल एप्स सर्च कर सकते हैं, तो यहां से भी आप ड्यूअल एप्स निकाल सकते हैं। अगर आपको यहां से भी ड्यूअल एप्स देखने को ना मिले, देन आपको क्या करना है, प्ले स्टोर में जाना है। प्ले स्टोर में जाने के बाद एक आपको एप्लीकेशन मिलेगा एक्टिविटी लॉन्चर, इसको इंस्टॉल कर लेना है। इसको इंस्टॉल करने से होता क्या है कि आपके मोबाइल में जो भी हिडन एप्लीकेशन होता है उसको आप यहाँ पे यूज कर सकते हैं। देन इस एप्लीकेशन को आपको यहाँ पे ओपन कर लेना है। जैसे आप यहाँ पे ओपन कीजिएगा, ओपन करने में जितने भी डिफॉल्ट एप्लीकेशन है यहाँ पे लोडिंग होना चालू हो जाएगा, और उसके बाद आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। तो चलिए मैं यहाँ पे वेट कर लेता हूं। अभी आप यहां पे फिलहाल देख सकते हैं सभी एप्लीकेशन यहां पे आ चुका है। देन आपको यहां पे सर्च में जाना है, और सर्च में जाने के बाद आपको यहां पे लिखना है ड्यूअल एप्स। जैसे दोस्तों आप यहां पे लिखिएगा ड्यूअल एप्स, सबसे लास्ट में ड्यूअल एप्स वाला जो ऑप्शन देखने को मिल रहा है एक्स स्पेस सेटिंग एक्टिविटी, इस पे आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपको नीचे में क्रिएट वाला ऑप्शन मिलेगा, इस पे आप टैप करें, और टैप करने में जिस एप्लीकेशन को आपको ड्यूअल एप्स में यूज करना है, चाहे वो टेलीग्राम हो, अगर टेलीग्राम को यूज करना है तो आपको टर्न ऑन पे क्लिक कर देना है, तो टेलीग्राम का दो एप्लीकेशन आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। YT स्टूडियो अगर यूज करना है तो इसको आप यहाँ पे ऑन कर सकते हैं, दो एप्लीकेशन देखने को मिलेगा। काइन मास्टर को यूज करना है या जो भी एप्लीकेशन को आपको ड्यूअल एप्स में यूज करना है, इस प्रकार से आप यहाँ पे इनेबल कर सकते हैं। फिलहाल मैंने यहाँ पे इनेबल कर लिया है। इनेबल करने के बाद मैं आपको दिखाता हूँ कि टेलीग्राम का दो एप्लीकेशन यहाँ पे देखने को मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। मैं यहाँ पे होम स्क्रीन में आ जाता हूँ, और होम स्क्रीन में आने के बाद देखिए यहाँ पे टेलीग्राम का दो एप्लीकेशन यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। अगर आपको अनइंस्टॉल करना है तो जो आपको यहाँ पे क्लोन एप्लीकेशन देखने को मिल रहा है, सिंपली इस पर आप यहाँ पे टैप कर सकते हैं, और टैप करने के बाद आप डायरेक्ट यहाँ से अनइंस्टॉल कर सकते हैं। जैसे अनइंस्टॉल कीजिएगा तो जो आपको मेन एप्लीकेशन देखने को मिल रहा है वो आपको यहाँ पे शो हो जाएगा, और जो क्लोन एप्लीकेशन आपने बनाया है वो डिलीट हो जाएगा। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा हो कमेंट करके जरूर बताएं।